नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत न्यूज। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन कथित तौर पर कोमा की स्थिति में है और उनकी बहन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान देगी। इसी के साथ कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका खुफिया जानकारी की निगरानी कर रहा है, जिसमें ये बात सामने आई है कि सर्जरी के बाद उत्तर कोरियाई नेता की हालत गंभीर है। मुंबई में सीबीआई की टीम शुक्रवार से लगातार दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामलों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की एक टीम सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक से पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। खबर ये भी है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है, लेकिन रिया के वकील का कहना है कि अभी तक सीबीआई की ओर से उन्हें समन नहीं भेजा गया है। भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 31,06,348 हो गई है। और आपको बता दें, देश में 31 लाख मामले सामने आने में 207 दिन लगे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मामले सामने आए हैं। राहुल गांधी के कथित टिप्पणी के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता द्वारा जताई गई सार्वजनिक आपत्ति को हटा लिया गया है। कपिल सिब्बल ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि मुझे राहुल गांधी ने खुद फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया कि उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया है, लिहाजा मैं अपने ट्वीट को हटा रहा हूँ। LSC पर चल रही तनातनी के बीच CDS जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन से चल रही बातचीत अगर फेल हुई तो भारत के पास सैन्य विकल्प का रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि चीन पूर्वी लद्दाख में LSC पर विवादित इलाकों में घुसपैठ के बाद बातचीत के बाद भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत आपकी आवाज हमारी ताकत, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।